साधु जी सीताराम। बोलो क्या बात, नजदीक आओ। एक तो हमारी घर की प्रमुख समस्या थी जिसका समाधान कल आपने दे दिया है। क्या? मेरे भैया को जो फिट के प्रॉब्लम थे उसके बारे में आपकी बड़ी कृपा हुई है। और दूसरा, मेरे बेटे की कुछ समस्या है। किसकी? मेरे बेटे की, बड़े बेटे की। बालक? जी, बालक की। और पारिवारिक छोटा मोटा आर्थिक काम हम बस। कोई बात, नजदीक आऊँ। चलिए, यहाँ हमने आपका नाम तो ले लिया, आपका नाम तो हो सकता है कि सेवादार में हो तो मिल गया हो। बालक का नाम? नहीं, बालक का नाम बताया? वो सेवा में तो नहीं लगा है। माइक से बोलो। सेवा में आया ही नहीं है बालक यहाँ, एक आया ही नहीं। एक बार अब ये और देख लीजिए अंगला, इनका नाम तो हो सकता सेवा में है तो सेवादारों के नाम से हमने बुला लिया हो। अब हमने लिखा मुकेश नामक तिवारी जी हैं, जो आपके मन में बालक का प्रश्न है, बालक वैभव का विषय लेकर आए हैं, सफल नहीं हो रहा है, सफल होगा, कृपा होगी, आशीर्वाद है। सीताराम, बिल्कुल सत्य है आपने जो लिखा है, और ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि मैं वैभव के बारे में तो अपने परिवार से भी नहीं बोला था, और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ये। कलेश भी बनता है जी। हाँ जी, धाम की पेशी करनी है जी, और बालक को आप बालक के नाम से 11 चोला बालाजी को चढ़वाइए जी महाराज। जो मंत्र है, ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है जी। इस मंत्र के आधार पर बालक जो गुस्सा में आ जाता है, बहुत ज्यादा मरने मारने की धमकी देता है यस, और पैसा बहुत खर्च कर रहा है जी, उससे बहुत ज्यादा परेशान है जी, कोई काम में स्थिर नहीं हो रहा है, उस पर कृपा होगी, उसका क्रोध कम हो जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। प्रणाम, प्रणाम। और एक बात, अब यहां तक ही नहीं, अब आगे सुन लीजिए सब लोग, जो हमारे ऊपर, जो दरबार के ऊपर बार बार उंगली उठाते हैं। इनका नाम मुकेश तिवारी, इनके बालक का नाम वैभव तिवारी, और इनके पितृ में परदादा राम मनोहर नाम के काका हुए, वो पितृ रूप में घूम रहे हैं। जय जय श्री राम। उठ जाइए। प्रणाम।